चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग घटांक और करनी के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कंपटीशन क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जिसका नाम है घटांक और करनी। इसका बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, सिंपल तरीके से हल करना सीखेंगे। जैसे इसका पहले हम लोग सूत्र समझ लेते हैं। इसका 6-7 सूत्र है, मतलब इसकी बेसिक सूत्र समझना जरूरी है जो ट्रिकली आपका काम करेगा। देखो, पहला सूत्र है कि एप अपॉर एम गुना एप अपॉर एन गुना एप अपॉर पी। देखो, गुना में क्या होता है, जब आधार से होता है ना तो पावर को जोड़ दी जाती है, भले कितना ही पावर लगा है ना दिया। देखो यहाँ पर ए ए ए सबका आधार से मतलब पावर को क्या किया गया, जोड़ दिया गया। याद रखने वाली बात है, बस जब आधार सेम होगा तो क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे। पावर को आपको जोड़ना है, गुना में नहीं लिखना है। यहां पर m प्लस n आप प्लस इसको लिख देंगे p। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब वही जब आधार सेम हो, आप भगा में दिया हो, एग्जांपल के तौर पे आप समझना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा। यदि ऐसा लो लेते हैं, a पावर m बटा a पावर n, बटा मींस होता है क्या, भगा होता है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, इसके पावर को घटा सकते हैं। जब आधार सेम होगा तो बटा में होगा तो उसके पावर को हम घटा देंगे। और वही जब गुना में होगा और सबका आधार सेम हो तो पावर को जोड़ना पड़ता है, गुना नहीं करेंगे, जोड़ना पड़ता है। a पावर m, a पावर n, a पावर p है तो पावर को जोड़ देंगे, m प्लस n प्लस p हो जाएगा। ओके, अब देखो ये बातें समझ में आ गई, दो सूत्र। अगला देखो, a पावर, ध्यान दो, a पावर m का दी होल पावर n है तो पावर को क्या करते हैं, आपसी गुना कर देते हैं, लिख देंगे एप पावर एम एन। और चौथा देख सकते हैं, एप पावर एम का दी होल पावर एन, तो इसका भी मतलब वही है कि एप पावर एन हो जाएगा। अगर देखो एप पावर एम है तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, एप पावर एम, ध्यान दीजिएगा, एप पावर एम है तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, वन बटा एप पावर माइनस एम। क्या होता है ना कि जब माइनस को ऊपर ले आएंगे तो फिर वो प्लस में हो जाएगा, नीचे वाले को ऊपर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अगर देखो माइनस चार है, यानी चार पावर माइनस चार है, तो इसको वन बटा चार लिख सकते हैं। अगर है चार है तो इसको ऊपर ले आएंगे तो फिर चार पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। किसी भी संख्या को जो ऊपर ले जाएंगे ना तो उसमें क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है नीचे वाले को ले जाएंगे। तो एप पावर एम को आप इस टाइप से लिख सकते हैं, एप पावर एम को वन बटा एप पावर माइनस एम, चाहे वन बटा एप पावर माइनस एम है तो एप पावर माइनस एम को ऊपर ले आएंगे तो इसके पावर में माइनस चिन्ह चेंज अप हो जाएगा, एप पावर एम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर लेकर चलते, एक चीज समझो यहाँ पर, अगर ये चार बटा तीन है, इसका दी होल पावर माइनस वन है, तो जानते हैं माइनस हटाएंगे तो संख्या पलट जाएंगे, तीन बटा चार हो जाएंगी या पावर हो जाएगा। अगर यही सोचो, यहां पर समझिएगा ध्यान से, अगर ये दिया है चार पावर माइनस वन और तीन पावर माइनस वन है, तो यहां पर माइनस हटाएंगे तो संख्या उलट जाएंगे, तीन ऊपर चार नीचे चलाएगा, तो ये हो जाएगा तीन बटा चार हो जाएगा। बस इतना याद रखना। देखो एप पावर माइनस एम बटा एप पावर माइनस एन, तो यहां से माइनस हटाएंगे तो ये इसका माइनस ऊपर चल जाएगा प्लस और ऊपर नीचे चलाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं एप पावर एन बटा एप पावर एम। अगला देख सकते हैं, अठारह, किसी भी संख्या पर जब पावर जीरो होता है तो उसका मान वन होता है, यानी एप पावर वन, एप पावर जीरो का मान कितना होगा, वन होगा। याद रखिएगा, एप पावर जीरो का मान वन होगा। ऐसे ही अगर नौ नंबर देखते हैं कि जब आधार सेम नहीं हो, अभी बता दिए कि जब आधार सेम होगा तो पावर को जोड़ देते हैं, लेकिन जब आधार सेम नहीं हुआ उसका पावर सेम हो, जैसे एक्स पावर ए गुना वाई पावर ए, जब पावर सेम होता है तो पावर लिखेंगे लेकिन आधार का गुना कर देते हैं, एक्स और वाई का गुना कर देंगे तो एक्स वाई का दी होल पावर ए हो जाएगा। तो ये था घटांकीय सूत्र, घटांक का सूत्र था। अब जरा हम लोग करनी का सूत्र समझते हैं कि करनी का सूत्र क्या होता है, इस पर फोकस करो। जैसे रूट अंडर ए है तो याद रखना, रूट के बदले हमेशा पावर वन बाई टू लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है, वन बाई टू लगाई जाती है, इस बात को बैठा लीजिए दिमाग में। और यहां देखो, जैसे रूट अंडर ए भी दिया है तो रूट के अंदर दो संख्या है तो उसको अलग अलग गुना में आप लिख भी सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट ए गुना रूट बी। अगर ऐसे ही रूट अंडर ए बटा बी है तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर ए बटा रूट अंडर बी आप लिख सकते हैं। अगर समझो एक करनी का यहां पर नियम समझो, ध्यान दो, अगर ये बोला है p करनी n है, ठीक है ना, तो इसको लिख सकते हैं p मतलब n, और ये करनी p है तो इसको 1 बटा p लिखेंगे। अगर यहाँ 4 रहेगा तो यहाँ 4 लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पर समझो, यहाँ p करनी n है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ करनी p का तो n पर पावर 1 बाई p लिखेंगे, और यहाँ पर 4 रहेगा तो 1 बटा 4, यहाँ 5 रहेगा तो 1 बटा 5, या 6 रहेगा तो यहाँ पर 1 बटा 6 लिख सकते हैं। याद रखिएगा। और देखो, अगर ऐसा सूत्र दिया आपको कि पी एन मतलब पी रूट अंडर एन रूट अंडर एम रूट अंडर ए, तो यहाँ पर करते क्या है कि जो भी है ए पी एन एम इसका गुना कर देंगे, रूट में ए रहेगा, अंदर वाला संख्या छोड़ देंगे, इसका आपसी गुना कर सकते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, हेयर बदल भी कर सकते हैं, एन को यहां ला सकते हैं, एम को यहां ला सकते हैं, पी को यहां ला सकते हैं, एन को इधर घिस सकते हैं, पावर को इधर उधर हम लोग हेयर फेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यानी यहां पर गुना कर दें पी एन एम का गुना कर दें एम एन पी, या रूट अंडर ए हो जाएगा। या ऐसे ही क्वेश्चन अगर देख सकते हैं, एन रूट अंडर एम रूट अंडर ए है तो यहां पर एन और एम का गुना कर सकते हैं, एम एन हो सकता है, नहीं तो एम को इधर लिख सकते हैं, एन को इधर लिख सकते हैं, वही चीज यहां पर लिखी गई है। तो ये करनी का कुछ सूत्र है, आपको करनी का भी सूत्र याद रखने की हो सकता है। तो दो टाइप का मैंने आपको सूत्र समझा दिया, एक घटांक के रूप में, दूसरा का करनी के रूप में। करनी का मतलब रूट के रूप में रहेगा तब क्या होगा। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। अच्छा, एक बात बताइए ध्यान से, एकदम समझिएगा। देखो,
यहाँ पर समझने वाली बात है। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर दे दिया फोर करनी फाइव, मतलब फाइव का करनी फोर लेकर चल रहे, तो इसका मान क्या हो जाएगा? तो मैंने बता दिया फाइव है तो फाइव, यहाँ चार है तो इसको वन बटा चार आपको लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ आठ है तो वन बटा आठ हमें लिखना पड़ेगा। इस बात को पहले आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। अब ये तो सूत्र आपको बेसिक से समझ में आ गई। अब जैसा हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो बुआ, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पांच पा पावर सेवन गुना पांच पा पावर फोर भागा पांच पा पावर आठ है, इसका भैया हमें मान निकालना है। एकदम सिंपल तरीके से समझो ना, बता दिए यहाँ गुना में, ये वाला गुना में है और ये भागा में दिया है। भागा मीन्स बटा में है, मालूम है। यहाँ देखो ये गुना में आधार सेम है तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो पांच पा पावर क्या हो जाएगा, ग्यारह हो जाएगा। समझिए पांच पा पावर, क्योंकि भाई आधार सेम है गुना में, तो पावर को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। तो ये पावर को जोड़ेंगे तो सात चार ग्यारह, पांच पा पावर ग्यारह हो जाएगा। आई भागा में है तो इसका पावर घटेगा। अभी देख सकते हैं a पर पावर m भागा n है, तो जब भागा में है, भागा मींस बटा में है, तो इसका आधार से में तो पावर घट जाता है। यही यहां तक तो 5 पर पावर 11 आ जाएगा, और ये भागा में है, इसका मतलब इसका पावर घटेगा। तो 5 पर पावर 11 में सही 5 पर पावर 8 घटाना है हमें, मतलब इसके पावर को घटाएंगे तो 11 में 60 घटेगा, तो 5 पर पावर बच जाएगा 3। क्या बचेगा? 5 पर पावर 3। अब 5 पर पावर 3 का मतलब 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 का गुना 3 बार मान निकल जाएगा 125, यानी इसको ऑप्शन डी टच कर जाएगा आपका, कौन सा 125। मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया यार। देखो बसरते मैं इतना तो नियम मुझे मालूम हो गया कि आधार सेम होगा तो पावर को जोड़ सकते हैं गुना में, तो सात चार ग्यारह पावर हो गया। आई पांच, यहाँ भी आधार सेम है क्योंकि यहाँ भी पांच पर पावर ग्यारह, यहाँ पांच पर पावर आठ है, बसरते भागा का है। आप भागा में जब आधार सेम होता है तो पावर को घटाते हैं, ग्यारह में साठ घटाएंगे तीन, यानी पांच पर पावर तीन, पांच पर पावर तीन का मान कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है रूट अंडर फोर बटा थ्री घटा रूट अंडर थ्री बटा फोर का हमें मान बटानी है। इसमें चार ऑप्शन है, वन देख सकते हैं, ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी, डी, चार ऑप्शन आपके पास टच करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना होगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है यहां पर समझो ध्यान से। देखो बुआ ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पर मैं आपको समझाना हूँ, समझिएगा ध्यान से। रूट अंडर फोर बटा थ्री है तो इसको अलग अलग रूट में लिख सकते हैं, रूट फोर लिख सकते हैं और बटा रूट थ्री लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको समझाया था। यहाँ भी थ्री और फोर क्या रूट के अंदर, ये इसको अलग अलग लिख सकते हैं, रूट थ्री बटा रूट फोर हम लिख सकते हैं। ऐसा तो हम लोग कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना। अब रूट थ्री या रूट फोर का लसा लेंगे तो रूट बारह हो जाएगा, ठीक है ना। लसा ले लेंगे तो कितना, रूट बारह। और यहाँ पर समझो ध्यान से, इस चीज़ को थोड़ा सा और विस्तार से हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ पर देखो लसा लेंगे रूट थ्री या रूट फोर का लसा लेंगे तो रूट थ्री गुना रूट फोर इसको हम लोग लिख सकते हैं। रूट थ्री से भाग करेंगे तो रूट थ्री कट जाएगा, बचेगा रूट फोर, तो रूट फोर का रूट फोर से गुना कर देंगे फोर हो जाएगा। रूट फोर से भाग करेंगे रूट फोर कट जाएगा, रूट थ्री बचेगा, रूट थ्री का रूट थ्री से गुना कर देंगे थ्री हो जाएगा। अब देखो फोर में से थ्री घटेगा तो एक है, रूट थ्री का रूट फोर से गुना करेंगे या नहीं करना तो मत कर। यहाँ पर देखो है रूट थ्री है तो रूट थ्री और गुना फोर का रूट क्या निकल जाएगा, टू निकल जाएगा, यानी इसका क्लियरली मान वन बटा टू रूट थ्री आ रही है। क्या रे, टू रूट थ्री देख सकते हैं। इसका क्रिया किया, लसा ले लिया, क्रिया किया तो वन बटा रूट थ्री। ऑप्शन टच करिए, ऑप्शन आपका डी मिल रहा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समझ में आ रही? तो क्वेश्चन ये सब क्या है, दिमाग लगा के आपको करना है। पहला दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया, चलिए इसका एक दो और क्वेश्चन समझते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखिए, तीन नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको दिया क्या है। देखो दिया है कि माइनस वन का दी होल पावर टू का दी होल पावर माइनस टू, माइनस टू का दी होल पावर माइनस वन। देखो वो ये क्वेश्चन कितना रोचक है। एक बात मैंने आपको सूत्र में ही समझा दिया था कि कितना भी पावर, जैसे ए पावर एम का दी होल पावर एन है तो क्या करते हैं, पावर का आपसी गुना कर देते हैं, ये घटान का नियम होता है। तो यार कितना भी पावर दिया है, सारे पावर का क्या करेंगे, आपसी हम गुना कर देंगे, क्या करेंगे, सारे पावर का आपसी गुना कर देंगे। तो पहले आप ये काम कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका आंसर मिल जाएगा, आपके पास चार ऑप्शन भी दिया है। इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखो यहाँ पर है माइनस वन बाई टू है, तो माइनस वन बाई टू इसका दी होल पावर क्या करेंगे, सब पावर का गुना करेंगे, दो का माइनस दो से या फिर माइनस वन का। अब सोचो माइनस दो का माइनस वन से गुना करेंगे तो प्लस प्लस और दो हो जाएगा, क्योंकि देखो माइनस का माइनस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा भैया, और दो का एक से गुना करेंगे दो हो जाएगा, दो दूनी कितना हो जाएगा चार, यानी इसका लगभग हो जाएगा पावर कितना हो जाएगा चार, पावर कितना हो जाएगा चार हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये माइनस वन बाई टू का दी होल पावर सबका गुना कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस, दो दूनी चार, चार का एक से गुना करेंगे चार हो जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस का जब पावर सम होता है, क्योंकि चार सम है तो प्लस हो जाता है, ठीक है ना। माइनस का चार गुना करेंगे प्लस आ जाएगा, तो वन का पावर फोर वन निकलेगा और टू का पावर फोर कितना निकल जाएगा, सोलह निकलेगा। मतलब दो का चार गुना करिए, यानी वन बटा सोलह आंसर आएगा इसका, तो वन बटा सोलह देख सकते हो, ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्व करना है। देखो किसी भी संख्या पर कितना भी पावर क्यों ना दे, उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब बस इस बात से है कि पावर का गुना कर देंगे आंसर आपका निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन, वन बटा टू का दी होल पावर माइनस वन बाई टू दिया, पूछा किसके बराबर है। तो भैया ये क्वेश्चन में आपको बता दिया था, ध्यान दो। अगर यहाँ पर समझो ए बटा बी है, इसका पावर लग जाएगा माइनस, मान लो कि माइनस तीन लग गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब बताया था माइनस हटाएंगे संख्या उलट जाएंगे, बी चला जाएगा ऊपर, ए चलाएगा नीचे, आप पावर ज्यों कहते हो तीन रह जाएगा,
जाएगा, माइनस हटाने पर संख्या उलट पलट जाएंगी। यहाँ बोल रहा है वन बटा टू, ध्यान दीजिएगा, वन बटा टू का दी होल पावर माइनस वन बाई टू दिया, टू दिया, ठीक है ना। तो माइनस को हटाएंगे तो संख्याएं उलट जाएंगे, दो बटा एक हो जाएगा, मतलब सिर्फ ये दो हो जाएगा। आप पावर वन बाई टू ज्यो का तो रहेगी यार, देखो दो, वन बाई टू का मतलब क्या लगा सकते हैं, रूट लगा सकते हैं। अभी कड़नी में बताया गया था रूट हटाएंगे तो वन बाई टू लगेगा, वन बाई टू हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, समझ में आ रही है। यानी इसका जब सॉल्विंग कर रहे हैं तो क्या आ रही है, रूट टू आ रही है। रूट टू आंसर कौन सा सही हो जा रहा है, डी सही हो जा रहा है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। थ्री रूट टू पावर फोर, रूट टू पावर माइनस फाइव, रूट टू पावर सिक्स, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अंदर वाले का क्लियर क्रिया करेंगे। अब सोचो अंदर वाला क्या दिया है, रूट अंदर टू पावर सिक्स दिया, तो रूट के बदले क्या लगाएंगे भाई, रूट के बदले वन बाई टू लगाएंगे ना, रूट के बदले क्या लगाएंगे वन बाई टू। तो सोचो यहाँ पर टू पावर सिक्स पावर रूट के बदले वन बाई टू लगाएंगे, द्वितीय छः तीन हो जाएगा, मतलब दो पावर तीन इसका मान आएगा, कितना आएगा दो पावर तीन इसका मान आएगा, कितना आएगा इसका दो पावर तीन मान आएगा। अब समझने वाली बात है, देखिएगा इसका मान दो पावर तीन आएगा, क्यों, क्योंकि रूट के बदले वन बाई टू से इसमें गुना करेंगे तो द्वितीय छः कट जाएगा, तो दो पावर तीन आई इंटू में दो पावर माइनस फाइव है। तो सोचो दो पावर तीन आई इंटू में क्या है, दो पावर माइनस फाइव है, तो ये आधार से मैं पावर को जोड़ देंगे तो तीन में से पाँच जोड़ेंगे, तीन में से माइनस पाँच जोड़ेंगे तो दो पावर माइनस दो बचेगा, क्या बचेगा, यानी इसका इसका आपसी क्रिया कर दिया था, दो पावर माइनस दो बच गया। अब सोचो रूट के बदले यहाँ पर गुना करना पड़ेगा वन बाई टू, तो टू टू कट इस जाएगा तो बचेगा सिर्फ माइनस वन बचेगा, मतलब टू पावर माइनस वन बचेगा। यानी जब इसका आपसी क्रिया कर, ध्यान दीजिएगा, जब इसका आपसी क्रिया की हम क्या कर रहे हैं, समझिए ध्यान से, देखो यहां से निकलेगा दो पावर तीन निकला, समझिए यहां से निकलेगा दो पावर क्या निकला, यहां तीन निकला है, क्रिया कितना दो पावर माइनस दो निकला। आई रूट हटाने के लिए भाई रूट के बदले वन बाई टू लगाएंगे ना, तो वन बाई टू लगाएंगे तो दो पावर माइनस दो है, तो वन रूट के बदले वन बाई टू लगा दे, टू टू कट गया, मतलब टू पावर माइनस वन हो गया। तो यहां पर हो गया टू पावर फोर इंटू में टू पावर माइनस वन आ जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक पूरा क्रिया करिए तो कर दिए तो टू पावर माइनस वन आ गया। अब देखो यहां पर टू पावर माइनस वन आ गया, यहां टू पावर फोर है, तो आधार से मैं पावर जोड़ देंगे तो टू पावर कितना होगा थ्री, क्योंकि चार में से एक घट जाएगा थ्री हो जाएगा, तो टू पावर थ्री। अब ध्यान दीजिएगा टू पावर थ्री, यहां पर ध्यान दीजिएगा इसका होल करनी कितना है थ्री है, होल करनी कितना है थ्री है बताए, तो होल करनी का मतलब हो गया वन बटा थ्री, अगर फोर होता तो वन बटा फोर है, थ्री थ्री कटिस हो गया क्या निकल जाएगा सिर्फ टू निकल जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जा रहा है, ए सही हो जा रहा है। देखो भैया इस क्वेश्चन में बहुत दिमाग लगाना है, अब एक बार और इसको मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले मैं अंदर वाले क्रिया किया, जो माना है उसका क्रिया इससे कर दिया, जो माना है इसका क्रिया इससे कर दिया, उसके बाद करनी तीन का है तो मैं करनी तीन के बदले वन बटा थ्री लगा देंगे, हो गया आंसर। आपको आपको घटांकी में समझा दिया गया था, देखो यहाँ पर करनी पी का है, मतलब एन का रूट में करनी पी का, तो पी के बदले क्या लिख दिया वन बटा तीन लिख दिया गया करनी हटा का, ठीक है ऐसा आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको ऑप्शन कौन सा फाइव का सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन है यदि फोर पर देखो रूट अंडर फोर पर पावर एन बराबर एक हजार चौबीस है, तो हमें एन का मान निकालना है। ये भी भैया बहुत क्वेश्चन सिंपल है, देखो यहाँ पर एक चीज समझो, यहाँ पर समझने वाली बात आ रही है, रूट के बदले हम पावर क्या लगा सकते हैं, रूट के बदले हम पावर क्या लगा सकते हैं, समझिए ध्यान से, रूट के बदले हम पावर लगा सकते हैं वन अपॉन टू लगा सकते हैं, ऐसा तो कर सकते हैं ना, ऐसा तो कर सकते हैं ना, ध्यान दीजिए। अब चलिए मैं इसका क्रिया कर रहा हूँ, इसका हमारा क्वेश्चन है रूट अंडर फोर पा पावर एन, ठीक है ना, आप बराबर कितना दिया एक हजार चौबीस। अब इसका क्रिया कर रहा हूँ, है रूट के बदले मैं पावर लगा सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा रूट के बदले, इसके लिए मैं क्या कर क्या रहा हूँ, ये रूट के बदले पावर वन बाई टू लगाऊंगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर चार है तो चार को लिख सकते हैं दो का स्क्वायर, इसका दी होल पावर कितना एन है, आप गुना रूट के बदले मैं पावर कितना लगा दे रहा हूँ वन बाई टू, आई एक हजार चौबीस को आप ब्रेक करेंगे तो जानते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दो पा पावर दस हो जाएगा, दो का दस पर गुना करेंगे एक हजार चौबीस आ जाएगा, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखो हाई चार को मैंने ब्रेक किया तो दो का स्क्वायर हो गया, आई पावर एन है तो एन, रूट के बदले वन बाई टू लगा दिया तो टू से टू कटिस हो जाएगा बुआ, ठीक है ना, गुना में। अब यहाँ पर बच जाएगा टू पा पावर एन, आप बराबर हो गया टू पावर दस, बराबर में जब आधार सेम होता है तो पावर अपने आप बराबर हो जाते हैं, इसलिए एन का मान कितना हो जाएगा दस हो जाएगा, एन का मान कितना हो जाएगा दस। ऑप्शन आप मिलाइए कौन सा आपको ऑप्शन से हो जाएगा, डी से हो जाएगा एन का मान दस। क्या जान है क्वेश्चन में, तनिको जान नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो एकदम सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन, इसको समझिए ध्यान से, या देखो x का पावर b प्लस सी इसका होल पावर b माइनस सी है, जो चीज यहाँ पर दिया प्लस में वही चीज यहाँ पर माइनस में है। अब देखो यहाँ x का पावर c प्लस a और उसका होल पावर दिया c माइनस a, यहाँ x का पावर
पावर ए प्लस बी, इसका होल पावर दिया है ए माइनस बी दिया है, ठीक है ना। ये तीन चीजें दिया हुआ है। अब एक चीज समझो, जब ये इसका आधार एक्स, इसका आधार एक्स, इसका आधार एक्स, सबसे पहले इसका क्रिया आपको करना पड़ेगा बी प्लस सी बी माइनस सी, तो ए प्लस बी इंटू एम एस बी का सूत्र अप्लाई करेंगे, यानी बी का स्क्वायर घटाओ सी का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा सी का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा सी का स्क्वायर घटाओ ए का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए का स्क्वायर घटाओ बी का स्क्वायर। जब आधार से मैं तो पावर को जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और यहाँ पर देख सकते हैं माइनस बी का स्क्वायर कट जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसका सारा पावर अपने आप में कट जाएगा। आधार से मैं तो पावर को जोड़ेंगे ना भैया, और जब कट जाएगा तो आपको सिर्फ बचेगा एक्स पर पावर जीरो, उसका मान वन आ जाएगा, यानी इसका ऑप्शन आप टच कर लीजिएगा, वन टच कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, टच आपका वन होगा। कैसे, यहाँ हो जाएगा एक्स का पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स का पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स का पावर ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर। जब आधार सेम हो गया तो सब पावर को जोड़ देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा एक्स पर पावर जीरो आएगा, उसका मान ही कितना होता है, वन होता है। किसी भी संख्या पर पावर जीरो करेंगे तो उसका मान वन हो जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए इसका और आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, आठवां नंबर क्वेश्चन है रूट टू, उसके बाद थ्री का करनी थ्री है, चार का करनी चार है, बताना है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है। अब देखो भाई, करनी में जब पूछेगा ना कि छोटी संख्या कौन है बड़ी संख्या कौन है, ठीक है ना, तो करनी में जब छोटी संख्या बड़ी संख्या पूछेगा तो उसके लिए अलग तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आपको ऐसे पूछेगा कि मतलब बिना करनी का, बिना रूट वाले में आपको पूछेगा कि उसमें बड़ी संख्या छोटी संख्या कौन है, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग तरीका है। अब देखो कौन सा तरीका है, जैसे आपसे पूछ दिया कि इसमें 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 सबसे बड़ी संख्या कौन है, आपके पास चार ऑप्शन है, भैया कौन सा होगा। इसके लिए करना कुछ नहीं है, सबका पावर देखना है। जैसे रूट टू दिया है तो रूट हटाएंगे तो पावर वन बाई टू लग जाएगा, इसका मतलब इसका करनी टू चलेगा, इसका करनी थ्री है, इसका फोर है, तो जो भी है उसका क्या करेंगे, पावर का एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, पावर का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, तो इसका करनी कितना टू हो जाएगा, इसका करनी कितना होगा थ्री होगा, इसका करनी कितना दिया फोर दिया, देख सकते ना, जो ना है ना ये सब करनी है, देखिएगा यहाँ पर नहीं दिया तो इसको टू लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि रूट का मतलब वन बाई टू लगाई ही जाती है, ठीक है ना, समझो। यहाँ पर ध्यान से समझेगा इस चीज को, तो यहाँ पर करनी दो है, यहाँ पर करनी तीन है, यहाँ करनी चार है, तो जो भी करनी है उन सभी का आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम याद रखिएगा, जब करनी में दिया रहेगा तो एलसीएम लेना है, हालांकि बिना करनी का रहेगा तो आप एचसीएफ निकालते हैं। अब चलो इस ट्रिक को समझते हैं, इसका टू, इसका थ्री, इसका फोर। अब सोचो टू थ्री फोर का हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, बारह। एलसीएम कितना होगा, बारह होगा। जब एलसीएम बारह आ जाएगा तो इससे जो करनी था ना उसी करनी से फिर इसमें भाग कर देंगे। सोचो इसका करनी दो, इसका तीन, इसका चार है, तो दो से भाग करेंगे इसमें, इसका करनी दो से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, दो छक्के बारह, यानी टू पर पावर सिक्स। ये टू कहाँ से आ रही है, इसकी आ रही है, टू है तो टू लिख देंगे, इसके करनी से एलसीएम में भाग कर देंगे तो टू पर पावर सिक्स आ गया, ठीक है ना। अब देखो इसका करनी तीन है, ये संख्या तीन है, तीन से भाग करेंगे तो तीन पर पावर चार आ जाएगा, इसकी संख्या चार है, चार लिख देंगे, इसका करनी चार है, चार से भाग करेंगे तो चार पर पावर तीन आ जाएगा। अब देखते हैं इसका मान बड़ा आएगा सबसे पहले, तो दो पर पावर छह का मान कितना, चौसठ होगा लगभग लगभग मान, इसका मान तीन पर पावर चार का मान इक्यासी होगा, चार पर पावर तीन का मान चरचौ का सोचौ का चौसठ है, चरचौ का सोलह और सोचौ का चौसठ होगा, लगभग लगभग यही मान आएगी। अब बताइए इन तीनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भैया, तो सबसे बड़ी संख्या है बीच वाला है, तो बीच वाला क्या है, थ्री करनी थ्री का है, तो देखो ये ऑप्शन कौन सा, सी है, तो सी सही हो जाएगा। कुछ नहीं किया है, जो करनी है ना उसका एलसीएम निकाल लेना है, और उसके बाद एलसीएम निकाल के बाद उसी करनी से भाग करना है, जो आएगा जो संख्या था उस पर पॉइंट लगा देना है। जैसे यहाँ करनी दो या तीन या चार है तो मैंने इसका एलसीएम निकाल लिया, बारह आ गया, ठीक है ना। और उसी करनी से मैं भाग कर रहा था तो मान लो इसका करनी दो था, ये दो लिख दिया मैं पहले, हाई अंदर वाला संख्या पर लिख दिया हूँ, और करनी से भाग किया तो छः आ गया, दो पर छः, या अंदर तीन था तो तीन लिख दिया, इसका करनी तीन था, तीन से भाग किया चार आ गया, तो चार। ऐसे ही अगर यहाँ पर चार है तो चार लिख दिया, करनी चार है तो चार से मैंने भाग किया, तीन आ गया। अब उसके बाद जब ये आने पर इसका वैल्यू निकाला, इसमें सबसे बड़ी संख्या बीच वाली पड़ रही थी, तो बीच वाला ही हो जाएगा। आपको ऑप्शन कौन सा टच कर जा रहा है, सी टच कर रहा है, ये ट्रिकली है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपका देखो यहाँ पर है, ये नौ नंबर क्वेश्चन, इसमें बताना सबसे छोटी संख्या कौन है। देखो मैं आपको बता रहा हूं, समझो ध्यान से भैया, देखो क्या करना है। इसे से क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि पहले आपको एलसीएम निकालना होगा। यहां करनी दो दिया, यहां तीन दिया है, और यहां नहीं दिया तो यहां दो छुपा है, क्योंकि रूट के बदले आप टू लगाते हैं, और यहां थ्री है, तो करनी का लसल है दो तीन, यहां दो और तीन, मतलब दो तीन का हमें लसल लेना है, यही ना करना है, दो तीन का हमें लसा लेना है। अब सोचो दो तीन, यहाँ भी दो तीन, इसका लसा लेंगे कितना हो जाएगा, छः हो जाएगा, लसा कितना आ जाएगा, छः आ जाएगा। अब भाई लसा छः आ गया तो अंदर की बात करते हैं, संख्या तीन है तो तीन लिख देंगे,
ठीक है। संख्या तीन पे क्या करेंगे, तीन लिख देंगे, इसका करनी दो है तो दो से इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, ठीक है ना। द्वितीय छह, अब यहाँ अंदर संख्या दो है तो दो लिख देंगे, इसका करनी तीन है तो तीन से भाग करेंगे, तीन दो ना छह, ऐसा ही इसका करनी, इसकी संख्या है दो है तो दो लिखेंगे, इसका करनी तीन है, तीन से भाग करेंगे दो को पावर तीन हो जाएगा, ठीक है ना। द्वितीय छह, द्वितीय छह। अब आगे चलो, आगे देखो यहाँ पर देख सकते हैं चार संख्या है, करनी तीन है, तीन से भाग करेंगे तीन दो छह, इसमें मान निकाल कर देखते हैं, तीन का क्यू सताइस, दो का स्क्वायर चार, तीन का दो का क्यू आठ, चार का स्क्वायर कितना होगा, सोलह होगा। अब भैया बताइए कौन सा सबसे संख्या छोटा आ रही है, सबसे इसमें छोटा आपका हाई वाला है, दो नंबर वाला रहा है तो दो नंबर में कौन पड़ रहा है, हाई वाला पड़ रहा है, तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, मतलब आपका कौन सा हो जाएगा, टू का कर्णी थ्री हो जाएगा, दो नंबर टू का कर्णी थ्री कहाँ पर है, देखो टू का कर्णी थ्री यहाँ पर ऑप्शन बी आपका क्लियर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, घटांक का पावर का सबसे पहले हमें क्या करना है, पावर का सबसे पहले एलसीएम निकालना है, मतलब जो भी करनी है उसका एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने के बाद संख्याएं जो है ना अंदर वो लिख देंगे जो कहते हो, करनी से भाग करेंगे उसको वैल्यू निकालेंगे आपका निकल जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या आपका बी ऑप्शन क्लियर हो गया। अब देखते हैं दस नंबर क्वेश्चन, लोग देखते हैं, देखो दस नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि थ्री पर पावर चौतीस, समझिएगा यहां भी आपको वही निकालना है, बाहर चलो करिएगा बाहर, यहाँ पर दिया है कि थ्री पर पावर चौतीस और फिर टू पर पावर इक्यावन, सात पर पावर सत्रह में बताना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब देखो यहाँ पर ही समझने वाली बात आ रही है ना, कि यहाँ तो भाई करनी में दिया था तो उसके पावर का एलसीएम निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ भी छोटी बड़ी बताना है, यहाँ करनी के रूप में नहीं है, एकदम खुला है, तो यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे, जब बिना करनी का रहेगा ना तो वहाँ मतलब एचसीएफ निकालते हैं, मसा निकालते हैं, और जहाँ करनी में दिया रहता है वहाँ पर क्या निकालते हैं, वहाँ एलसीएम निकालते हैं। बस याद रखना है कि करनी होगा तो एलसीएम, और बिना करनी का होगा तो वहाँ पर एचसीएफ निकालते हैं। चलो भैया इसका पावर देखते हैं, देखो क्या क्या है, सत्रह चौंतीस इक्यावन सत्रह है, क्या है चौंतीस इक्यावन सत्रह है, ये तीन संख्या है, इसका हमें क्या निकालना है, मतलब इसका जो भी पावर है तो हम पावर का क्या निकालेंगे, इस पावर का निकालेंगे मौसा निकालेंगे। अब मौसा क्या होता है, जो तीनों में मिलेगा तो तीनों में सत्रह मिलेगा, सत्रह तीन इक्यावन सत्रह चौंतीस, यानी इनका मौसा निकाल देंगे ना कितना आ जाएगा, सत्रह आ जाएगा, इसका मौसा कितना आ जाएगा, सत्रह आ जाएगा। अब आते हैं संख्या की बात करते हैं, तीन है तो तीन लिख देंगे, क्या है तीन है तो तीन लिख देंगे। अब देखो इसके पावर में जो मौसा आएगा उससे भाग करना है आपको, सत्रह का पावर दो बार पढ़ देंगे सतना चौतीस हो जाएगा, वैसे ही अगर सोचो यहाँ इक्यावन है, दो पर पावर इक्यावन है, दो है तो दो लिखो, आप सत्रह का पावर से भाग कर देंगे तो कितना, सत्रह तीन इक्यावन मतलब दो पर पावर कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। ऐसे ही अगर आगे देखो संख्या सात है, ठीक है ना, सत्रह से भाग करेंगे तो एक हो जाएगा। अब मतलब मैंने क्या किया, जो मेरा मसा आ गया पावर का, उसी मसा से क्या करेंगे, पावर में भाग लगा देंगे, क्या करेंगे, उसी मसा से पावर में भाग लगा देंगे। तो लगाने के बाद हमारा ये आ गया, तीन का स्क्वायर कितना होगा, नौ होगा, दो का क्यू कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा, और सात का पावर वन कितना हो जाएगा, सात हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या खोजना है, सबसे बड़ी संख्या कौन है, ही नौ है आपका सबसे बड़ी संख्या। ये किसका, पहलका का है, पहलका तीन पर पावर चौबीस, तो ऑप्शन आप टच कर देंगे तीन पर पावर चौबीस। समझ में आ रही है ना, कुछ नहीं किया, वो पावर का मसा निकाल लिया, और फिर जो मसा है पावर में भाग लगा दिया, जो सबसे बड़ी वैल्यू आ गया वो बड़ी संख्या का, छोटा पूछता छोटी आया था, ठीक है ना, ये समझ में आ गई होगी। अब ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्यारह नंबर क्वेश्चन आपका है कि दो पर पावर पचास, तीन पर पावर एक सौ पचास, पांच पर पावर सौ और चार पर पावर दो सौ सबसे छोटी संख्या है। जैसा क्वेश्चन 10 सॉल्व किए थे वैसे ही 11 सॉल्व करेंगे। कैसे भैया सॉल्व करेंगे, इस बात को आप समझिएगा। जैसे इसमें पावर का क्या किए थे, इसमें जो पावर था उसका मसा निकाल दिए थे। मैं आपको बता चुका हूं कि जब करनी के रूप में रहेगा तो उसके पावर का हमेशा हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, लसा निकालेंगे। लेकिन जब बिना करनी में आपको पावर दिया रहेगा तो वहां छोटी बड़ी संख्या पहचानने के लिए उसके पावर का हम लोग निकालेंगे मसा, मतलब एचसीएफ निकालेंगे। अब जैसे इसमें बड़ी संख्या पहचानना था पहचान लिए, वैसे इसमें छोटी संख्या पहचानने के लिए इसका पावर है अढ़ाई सौ, डेढ़ सौ, सौ, दो सौ है, तो इन सभी का आप मसा निकालेंगे, अढ़ाई सौ, डेढ़ सौ, सौ और दो सौ का आप मसा निकालेंगे। तो मसा का मतलब क्या, उभयनिष संख्या जो सब में मिलेगा, तो इन सभी में पचास मिलेगा। पचास का पारा पांच में पढ़िए, तीन में पढ़िए, दो में पढ़िए, चार में पढ़िए, तो सब आ जाएगा घटान, ठीक है ना। तो अढ़ाई, डेढ़ सौ, सौ और पचास का जब मसा लेंगे तो इसका मसा जोन है ना, देखो किसका किसका मसा ले रहे हैं, समझ रहे हैं, यहाँ पर अढ़ाई सौ का मसा ले रहे हैं, फिर 150 का निकालना है, 100 का निकालना है मसा, और फिर 200 का मसा निकालना है। इन चारों का हमें क्या निकाल देना है, मसा निकालना है, क्या निकालना है, मसा निकालना है। तो इन सभी का जब मैं मसा निकालूंगा तो इसका मसा कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, इसका मसा 50 आ गया। अब आते हैं संख्या की बात करते हैं बुआ, देखो ये दो पर पावर 50 दिया था, दो लिख दो, जो मसा आया ना 50 उससे इसमें भाग लगा दो घटांक में। तो सोचो इसका 250 है, 50 से भाग लगाएंगे तो 5 आ जाएगा, तो दो पर पावर 5 हो जाएगा। फिर आगे चलो, अगर तीन पर पावर 50 है तो तीन लिख दो,
150 है, भले 3 लिख दो। आप 50 से क्या करो, जो मसा है उसके पावर में भाग करो, तो क्या था, 3 × 5 = 15 आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो 5 पर पावर है तो 5 लिख दो, इसका 100 है तो 50 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो 4 है तो 4 लिख दो, अब 50 से भाग करेंगे तो 50 × 2 = 200, ये मतलब जो कहते हो 2 हो जाएगा, 50 × 4 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो बुआ, अब इसका हम लोग क्या करते हैं, पावर तोड़ते हैं, 2 × 5 कितना होगा, 32 हो जाएगा, 3 × 3 = 27 हो जाएगा, 5 × 2 = 25 हो जाएगा, 4 × 64 देखना है हमें, तो 4 × 16 = 64 = 216 हो जाएगा, कितना 216 आएगा। हमें छोटी संख्या, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, 25, मतलब तीसरे नंबर वाला संख्या सबसे छोटी आ रही है, तो देखो तीसरे नंबर में सबसे छोटी कौन है, इसमें 11 नंबर में, तीसरे नंबर में 1, 2, 3, 5 × 100, तो 5 × 100 कौन सा ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन है। मैं कुछ नहीं किया हूं, पावर का मसा निकाल लिया हूं, फिर जो मसा आ गया वो पावर से डिवाइड कर दिया और देखा कि उसमें कौन सी संख्या बड़ी आ रही थी, वो बड़ी आ रही थी तो बड़ी संख्या होगा, जो छोटी आ रही थी वो छोटी संख्या होगा। अब बड़ी संख्या पूछता है 216, तो 4 × 4 = 4 चौथा नंबर आ रहा है, चौथा नंबर क्या हो जाता है, चौथा नंबर आपका 4 × 200 दिया, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 4 × 200 हो जाएगा। ऐसा कुछ सिंपली सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां तक छोटी संख्या बड़ी संख्या पहचानने आपको आ गया होगा। अब आगे क्वेश्चन है कि 3/√3 है क्या, तो 3/√3 है, इसका मान हमें निकालना है। तो भाई यहाँ सब परमेयीकरण के बारे में आपको पढ़ना है, हरों का परमेयीकरण क्या होता है, हर का परमेयीकरण करना सीखो। परमेयीकरण कैसे करते हैं, जो देखो जब भी परमेयीकरण करने की बात आएगी तो नीचे वाले का परमेयीकरण करते हैं, ऊपर वाले का नहीं। अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग ध्यान से समझते हैं और समझते चलते हैं। देखो बुआ, देखो क्वेश्चन क्या हमारा, देखो यहाँ 4 ऑप्शन भी आपके पास है, तो दिया है क्वेश्चन 3/√3, ठीक है ना, इसका हमें आंसर बताना है। देखो तो जब भी हम लोग नीचे रूट में दिया रहेगा तो रूट को हटा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ इसका परमेयीकरण करेंगे, परमेयीकरण कैसे करते हैं, नीचे वाला संख्या सेम रहेगा, चिन्ह बदल देते हैं, हाई प्लस है तो माइनस हो जाएगा, देखो ये 2 और ये माइनस हो जाएगा √3, और जो ऊपर लिखे हैं वो नीचे भी लिखी जाती है। सोचो जब मान लो कि हम परमेयीकरण कर रहे हैं भाई, तो हमें अपने आप से संख्या लाना होता है, तो अपने आप से ऐसा रखना है कि कट भी जाए, तो ऊपर 2 − √3 ले लिया तो नीचे भी 2 − √3 लेंगे, क्योंकि कट जाएगा तो बचेगा कितना, 1 बचेगा। अब देखो आखिर 2 − √3 में क्यों लिया, इसके पीछे का रीजन, यहाँ संख्या प्लस है तो हम लेंगे माइनस, परमेयीकरण में यही खासियत होती है। अब गुना कर देना, 3 का ऊपर से गुना करो, नीचे का नीचे से गुना करो, 3 × 2 गुना कर देंगे, 3 × 2 = 6, और घटाओ तो घटाओ, 3 × 3√3 से गुना कर देना, 3√3 हो जाएगा। अब चलो यहाँ देखो 2 + √3 हाई गुना का चिन्ह है, इंटू कितना, 2 − √3, तो ये सूत्र बनेगा a + b × a − b का, तो a + b × a − b का सूत्र था 1 का स्क्वायर, तो 1 का यहाँ पर 2 काम करेगा, घटाओ b का स्क्वायर काम कौन करेगा, √3 करेगा, तो √3 का स्क्वायर। अब देखो 6 − √3 = 4, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि √ का स्क्वायर कहेंगे रूट हट जाती है। अब भैया समझो यहाँ पर 6 − √3 ऊपर बच गया और नीचे 4 में से 3 घटेगा 1, तो बटा में 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, आपका ऑप्शन ही सही हो जाएगा, 6 × √3 ऑप्शन देखिए कौन सा मिला, 6 × √3 = 3√3, यहाँ देखो यहाँ 3 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन में, तो आपको ऑप्शन कौन सा टच कर जा रहा है, ऑप्शन ए टच कर जा रहा है, ठीक है ना। 6 × √3 हम लोग का आया यहाँ पर हल करने के बाद, यहाँ दिया था कितना, यहाँ दिया है आपका 3√2 दिया, तो भाई यहाँ रूट के अंदर 2 थोड़े 3 है, तो यहाँ 3 होगा ऑप्शन, आपको ऑप्शन कौन सा क्लियर हो जाएगा, ए से हो जाएगा। परमेयीकरण करना है, कुछ नहीं करना, बस परमेयीकरण आपको कर देना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन भी देखो, अगला क्वेश्चन भी सेम है, बोला है कि 2/√7 + √5 का आपको मान बताना है। अब चलो इस क्वेश्चन को हम लोग जरा सा गौर करते हैं, इस क्वेश्चन को आप समझते हैं हम लोग, ठीक है। इस सब क्वेश्चन को दिमाग से सॉल्व करते हैं बुआ, दिमाग से आपको सॉल्व करना होगा। चलिए यहां पर देखते हैं, अब चलो अब हम लोग यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन में है कि 2/√7 + √5 इसका परमेयीकरण करके हमें मान निकालना है, तो परमेयीकरण कर देंगे सबसे पहले, ठीक है ना। यहाँ √7 और √5 संख्या तो ज्यों का त्यों रहेगा, बस अर्थ चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस उठाते हैं, ऊपर जो उठाए वही संख्या नीचे भी उठाते हैं। अब यहाँ से करेंगे क्या, गुना कर देंगे, 2 का इनसे गुना कर देते हैं, तो 2 × लिख देते हैं √7 × √5, और नीचे वाला सूत्र बनेगा a + b × a − b, क्योंकि दोनों संख्या सेम है, तो √7 + √5 × √7 − √5 a का स्क्वायर, मतलब लिख देंगे यहाँ पर √7 का स्क्वायर, घटाओ b का स्क्वायर, मतलब √5 का स्क्वायर, ओके। अब आगे क्रिया करो, यहाँ पर 2 × √7 + √5, अब बटा में √7 का स्क्वायर 7 और √5 का स्क्वायर 5, तो 7 में से 5 घटेगा 2 हो जाएगा, 2 कट जाएगा तो खाली हाई वाला आपका आंसर बचेगा, 2 कट गया तो √7 × √5 ऑप्शन मिले, √7 × √5 ऑप्शन सी क्लियर हो रहा है, देख सकते हैं ना। तो परमेयीकरण करेंगे आंसर आपका निकल जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन अगला देखिए, 14 नंबर, 13 नंबर समझ में आ गई, 14 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया, बोल दिया √3 - 1 / √3 + 1
कन का प्रमेय कन करके आपको आंसर बताना है। पहले क्वेश्चन उठा लो बुआ, क्वेश्चन हम लोगों का है रूट थ्री माइनस वन आप बटा रूट थ्री प्लस वन है, इसका मान निकालना है। तो नीचे वाले समय मतलब है उसका प्रमेय कन कर देंगे आंसर निकल जाएगा। देखो नीचे है रूट थ्री और प्लस वन है, तो प्लस वन के जब हम क्या उठा लेंगे माइनस वन उठाएंगे क्योंकि ऊपर में ही करना चिन्ह चेंज करते हैं, और जो ऊपर उठाएंगे वही नीचे भी लेंगे। रूट थ्री माइनस वन जीव का तो गुना करेंगे, बट रूट थ्री माइनस वन, रूट थ्री माइनस वन सेम संख्या का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं रूट थ्री घटा वन का दी होल स्क्वायर, आप बटा में आपका आ जाएगा रूट रूट थ्री प्लस वन इंटू रूट थ्री माइनस वन, तो ए प्लस बी इंटू एम एस बी पर ब्रेक, ए प्लस बी इंटू एम एस बी पर ब्रेक करिए तो ए का स्क्वायर मतलब रूट थ्री का स्क्वायर घटा बी का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर। अब देखो एम एस बी का दी होल स्क्वायर ऊपर वाले को क्या करेंगे ब्रेक कर देंगे, ए स्क्वायर मतलब रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तीन निकल जाएगा, आप प्लस बी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, घटाओ टू गुना ए, ए का मान रूट थ्री और गुना बी का मान वन है, आप बटा में आते हैं तो रूट थ्री का स्क्वायर थ्री और घटाओ वन का स्क्वायर वन, क्रिया कर देते हैं इसका। देखो तीन एक कितना हो जाएगा चार, और घटाओ यहाँ हो जाएगा टू रूट थ्री, अब बटा में तीन में से घट जाएगा दो हो जाएगा, ऊपर से दो लसा ले लेंगे तो दो बचेगा घटाओ रूट थ्री हो जाएगा, दो लसा ले ली अब बटा में दो दो कट गया, तो हमारा खाली हई बच रहा है टू माइनस रूट थ्री, ऑप्शन टच करिए टू माइनस रूट थ्री कौन सा सही हो जा रहा ऑप्शन, कुछ नहीं परमेयीकरण रूट वाले में ऐसा क्वेश्चन दे परमेयीकरण नीचे का करना है आंसर अपने आप निकल जाएगा। तो 14 नंबर तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गई, अब चलिए इसका दो तीन और एग्जांपल लेकर हम लोग समझते हैं और घटांक और करनी को खत्म करते हैं। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है रूट फाइव घटा रूट थ्री बटा रूट फाइव प्लस रूट थ्री गुना करना है रूट फाइव प्लस रूट थ्री और बटा रूट थ्री माइनस रूट थ्री का, रूट थ्री मतलब रूट फाइव माइनस रूट थ्री का, इसका आपसे गुना करके बताना है आंसर कौन सा होगा। आपके पास चार ऑप्शन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आप लसा ले लेंगे, जैसे 1 बाई टू घटा 1 बाई थ्री के लसा लेना होता है घटाना होता है, कैसे घटा भिन्न का घटा होता है ना वैसे ही घटाना है इसको भी। पहले क्वेश्चन लिख दो, क्वेश्चन हम लोगों का है कि रूट फाइव घटावे रूट थ्री अब बटा रूट फाइव अब प्लस रूट थ्री अब फिर गुना में है रूट फाइव प्लस रूट थ्री अब बटा रूट फाइव घटाओ रूट थ्री। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बुआ, समझो इंपॉर्टेंट का दिमाग लगाने वाला है। नीचे वाले का लसा ले लेंगे, तो नीचे वाले का लसा लेंगे तो भाई इसका गुना करना पड़ेगा, ले लो जो कहते हो तो रूट फाइव अब प्लस रूट थ्री आ इंटू में रूट फाइव आ घटाओ रूट थ्री, नीचे वाले का लसा ले लिया। जब नीचे वाले का लसा ले लेंगे ध्यान दीजिए, जब नीचे वाले का लसा ले लेंगे जब नीचे वाले का लसा लेंगे तो कट जाएगा बचेगा रूट फाइव माइनस रूट थ्री, तो रूट फाइव माइनस रूट थ्री का ऊपर गुना करेंगे तो भी सेम है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा रूट फाइव घटाओ रूट थ्री का दी होल स्क्वायर हो जाएगा, क्यों क्योंकि सेम है ठीक है ना। अब उसको इसको घटाना है ना, यहाँ पर घटाओ है ठीक है, यहाँ पर आपको घटाव दिया होगा समझिए एग्जाम, यहाँ पर आपको क्या दिया होगा घटाव दिया होगा, क्वेश्चन में घटाव है। ऐसे रहता था जो सिंपली आपका आंसर डायरेक्ट रहता है आंसर, अगर यहाँ गुना में रहता तो इसका आंसर मालूम है कितना आता, पाँच पाँच तीन तीन दो दो, और यहाँ पर मतलब पाँच तीन मतलब लगभग इस सेम टू सेम आपका कट जाता, क्योंकि देखो ऊपर का ऊपर से कट जाता नीचे का नीचे से कट जाता आंसर एक आ जाता, लेकिन हमें यहाँ पर प्रश्न में घटाव दिया, घटाव लेकर चलना याद रखना, क्या लेकर चलना है घटाव लेकर चलना, गुना रहता तो गुना आप कर सकते थे। इसी कारण से मैं नीचे वाला क्या लिया हूँ लसा ले लिया हूँ ठीक है ना, यहाँ चिन्ह घटाओ का है गुना का नहीं है, गुना का चिन्ह रहता है ये कट जाता ऊपर नीचे कट जाता क्योंकि सेम समय गुना में, इस कारण से इसको घटाव लेकर चल रहे हैं, प्रश्न में घटाव ही दिया मिस्टेक से गुना लिखा गया था। अब देखो ये घटाव है, नीचे वाले का लसा ले लिया मैं लसा गया नीचे वाले से भाग के ये कट गया बचा ये सेम का सेम से गुना के सेम स्क्वायर, फिर घटाव है तो घटाओ और रूट फाइव माइनस रूट थ्री से भाग के तो ही कट गया बच गया ये, तो इसका गुना ऊपर से करेंगे तो वही सेम भी सेम है तो ये भी हो जाएगा रूट फाइव प्लस रूट टू का दी होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ए माइनस बी का दी होल स्क्वायर ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर, इसको ब्रेक कर देते हैं, जब इसको ए माइनस बी का दी होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे ए का स्क्वायर मतलब रूट फाइव का स्क्वायर फाइव हो जाएगा, फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो जाएगा, घटाओ टू ए बी तो टू गुना ए, ए का मान यहाँ पर रूट फाइव और गुना बी का मान यहाँ पर हो जाएगा रूट थ्री, फिर आगे देखो माइनस इंटू में रहेगा तो माइनस से साठ में गुना कर देंगे, यहाँ ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब रूट फाइव का स्क्वायर करेंगे अब माइनस से गुना करेंगे तो माइनस रूट फाइव का स्क्वायर मतलब सिर्फ फाइव बचेगा, अब प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस का होता है बी स्क्वायर होता है तो बी स्क्वायर मतलब रूट टू का स्क्वायर टू हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस है तो माइनस से गुना करेंगे माइनस टू हो जाएगा, अब फिर प्लस माइनस माइनस होगा क्योंकि ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर में सब चिन्ह प्लस होता है, बार माइनस से गुना करेंगे माइनस माइनस टू ए बी तो टू गुना ए, टू गुना ए ध्यान दीजिएगा यहाँ रूट थ्री है, रूट थ्री है यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा रूट थ्री हो जाएगा ठीक है ना, सब जगह रूट थ्री है रूट टू तो है नहीं है, टू गुना ए, ए का मान रूट फाइव और गुना बी का मान कितना है रूट थ्री है, अब बटा में कितना चल रहा है तो बटा में ए प्लस बी इंटू एम एस बी पर ब्रेक कर दो गुना में, ए स्क्वायर मतलब रूट फाइव का स्क्वायर तो फाइव हो जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो जाएगा, मतलब रूट थ्री का स्क्वायर सिर्फ थ्री होगा। अब देखो प्लस फाइव माइनस फाइव रूट प्लस रूट थ्री और प्लस थ्री माइनस थ्री कटिस हो गया, अब यहाँ बचेगा दो गो रूट पंद्रह हो जाएगा रूट फाइव का रूट फाइव का
का रूट थ्री से गुना करेंगे रूट पंद्रह हो जाएगा। तो दू गो रूट पंद्रह माइनस दू गो रूट पंद्रह ये हो जाएगा माइनस चार रूट पंक्ति है कितना होगा पंद्रह। अब बटा में कितना बचेगा पांच में तीन घटेगा दो ये दो दूनी चार हो गया माइनस टू रूट पंद्रह आ गया। बस लस लेंगे आंसर आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा टच करेंगे माइनस टू रूट पंद्रह आपका ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा। क्रिया करिए आंसर निकल जाएगा भैया। आगे देखो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बड़ी दिमाग लगाने वाला। देखिए वन बटा रूट अंडर माइनस नाइन घटावे वन बटा रूट अंडर माइनस नाइन घटाओ रूट आठ ये सब सेम आपको ऐसे दिया रूट नौ रूट आठ रूट सेवन रूट सेवन रूट सिक्स ऐसे दिया है। तो इसके लिए क्या करते हैं पहले एक को समझ लेते हैं किसी एक को समझ लेते हैं इसमें से जो उठाना उसको समझ लो कि उसका प्रमेयीकरण करने पर आंसर क्या आ रही है। अब देखो यहाँ पर जैसे मान लो कि यहाँ पर वन बटा रूट अंडर नाइन घटाओ रूट अंडर एट दिया है इसका प्रमेयीकरण करेंगे तो रूट अंडर नाइन घटाओ रूट अंडर एट होगा। आप नीचे भी माइनस प्लस लिखेंगे रूट अंडर नाइन प्लस रूट एट लिखेंगे वन का वन से गुना करेंगे तो जो कहते हो जाएगा रूट अंडर नाइन प्लस रूट अंडर एट अब बटा में हाई ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ब्रेक करेंगे तो रूट नाइन का स्क्वायर नाइन हो जाएगा फिर माइनस रूट एट का स्क्वायर एट हो जाएगा। तो यहां पर नौ में साठ घटेगा तो एक बचेगा तो नीचे वाला कोई महत्व नहीं रह जाएगा एक बटा में लिखने से कोई फायदा है नहीं वहां पर सिर्फ बचेगा रूट नाइन प्लस रूट एट। इसका मतलब नीचे वाले का प्रमेयीकरण कर दे रहे हैं तो खाली हाई वैल्यू आ रहा है रूट नाइन प्लस रूट एट यानी रूट नाइन माइनस रूट एट है ना तो यहाँ पर चिन्ह प्लस लगा के इसको उलट दिया ठीक है ना। अब सोचो अगर इसका प्रमेयीकरण हाई आ गया तो इसका भी प्रमेयीकरण करेंगे तो यही आएगा यहाँ माइनस की जगह प्लस लग जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा रूट एट प्लस रूट सेवन हो जाएगा सेम आपका सब में प्रोसेस लगाना है। तो सोचो अगर इसका प्रमेयीकरण करेंगे तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं अगर इसका प्रमेयीकरण करेंगे तो रूट नाइन माइनस रूट एट हो जाएगा रूट नाइन माइनस माइनस नहीं प्लस हो जाएगा। अब आगे घटा हुआ तो घटा देना है अगर इसका प्रमेयीकरण करेंगे भैया तो यहाँ माइनस के जगह प्लस लगा देंगे प्रमेयीकरण सेम आपका सेम आएगा अब माइनस से गुना भी करना है इसको एक बार और लिख देते हैं रूट एट प्लस रूट सेवन हो जाएगा ठीक है ना। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस अगर इसका प्रमेयीकरण करेंगे तो माइनस के जगह प्लस लगा दीजिए हो जाएगा रूट सेवन माइनस रूट सिक्स हो जाएगा। आगे चलिए आगे देखिए आगे यहाँ माइनस नहीं प्लस हो जाएगा ठीक है ना अंदर वाला चिन्ह के ऊपर प्रमेयीकरण करने में चिन्ह प्लस हो जा रही है। अब आगे देखो चिन्ह माइनस है तो माइनस अगर इसका प्रमेयीकरण करेंगे तो चिन्ह खाली प्लस देना है रूट सिक्स और प्लस रूट फाइव हो जाएगा ऐसे ही आगे चिन्ह प्लस है तो प्लस लिखो। अब इसका प्रमेयीकरण करेंगे तो भी आपका प्लस जाएगा क्या हो जाएगा रूट फाइव और प्लस रूट फोर हो जाएगा। कहने का मतलब एक का प्रमेयीकरण कर दिया उसी आधार पर सबको प्लस दिया मैंने। अब इसका क्रिया कर दो देखो बुआ अगर यहाँ पर सोचो रूट नाइन प्लस रूट एट यहाँ माइनस से गुना करेंगे माइनस रूट एट माइनस रूट सेवन यहाँ है प्लस रूट सेवन प्लस रूट सिक्स यहाँ माइनस से गुना करेंगे तो माइनस रूट सिक्स माइनस रूट फाइव माइनस से गुना कर दिया आगे रूट फाइव प्लस रूट फोर जो कहते हो रहेगा। अब यहाँ देखो है प्लस रूट आठ माइनस रूट आठ माइनस रूट सेवन माइनस रूट प्लस रूट सेवन प्लस रूट सिक्स माइनस रूट सिक्स और देखो माइनस रूट फाइव प्लस रूट फाइव कटिस हो गया बच जा रहा रूट नौ और रूट चार तो रूट नौ नौ किसका रूट होता है तीन का चार किसका रूट होता है दो का तो प्लस दो कितना हो जाएगा पांच हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा टच कर लेंगे डी टच कर लेंगे। मैंने कुछ नहीं किया बस इतना किया एक का प्रमेयीकरण करके देखा उसी आधार पर सबका प्लट दिया जो घटा था क्रिया कर दिया आंसर मेरा कितना आ गया पांच आ गया। तो ऐसे ही तो क्वेश्चन को सॉल्व करना यार प्रमेयीकरण कोई हार्ड चीज नहीं है दिमाग लगाओ आंसर लाओ दिमाग लगाओ आंसर लाओ। अगला क्वेश्चन समझिए यहाँ पर दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है देखो यहाँ बोल रहा है सत्रह नंबर की रूट अंडर फाइव प्लस टू रूट सिक्स। अब सोचो रूट हटाएंगे तो इसका दी होल पावर वन बाई टू हो जाएगा ना। तो जब किसी भी संख्या पर दी होल पावर रूट होती है ना वन बाई टू होगी तो उसके लिए सूत्र आपको क्या लगाना है कि अंतिम वाले संख्या को ब्रेक कर देना है। इसमें सबसे अंतिम संख्या क्या है टू रूट सिक्स है क्या है टू रूट सिक्स है क्वेश्चन समझिए ध्यान से इसका अंतिम संख्या टू रूट सिक्स है। तो जो मतलब कोशिश करना है कि रूट को ब्रेक कर दे अब समझो टू है रूट सिक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ रूट थ्री या गुना रूट टू लिख सकता हूँ ना रूट थ्री का रूट टू से गुना कर दूंगा कितना आ जाएगा रूट सिक्स आ जाएगा। तो उसको ब्रेक करके देख लेना है जितना भाग में ब्रेक होगा उसी को क्या करेंगे अगर चीन यहाँ प्लस का है अगर चिन्ह यहाँ प्लस का है तो इनके बीच प्लस का चिन्ह लगा देंगे रूट थ्री या प्लस रूट टू यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए टच करेगा। और पूछेंगे मैंने कैसे कर दिया मैं एक दिमाग लगा दिया एक ट्विक लगा दिया ट्विक ये कि जब किसी भी संख्या पर पावर वन बाई टू होती है उसका एक्सप्रेशन करके मान निकलना होता है तो ध्यान देंगे इसका अंतिम संख्या पकड़ लेते हैं टू रूट सिक्स टू रूट सिक्स है इसमें से तो दो तो बाहर है क्योंकि रूट के अंदर है नहीं तो रूट वाले को ब्रेक कर दिया तो सिक्स को ब्रेक किया तो रूट टू गुना रूट थ्री आ गया। अब इसी को मैंने क्या किया इसी को ये जो प्रश्न था जोर में था तो मैं इसको जोर में लिख दिया हमारा आंसर आ गया यही सेम क्वेश्चन देखो ऐसा ही है आपका अठारह नंबर क्वेश्चन इसको भी समझो यहाँ भी वही दिया आठ माइनस रूट सेवन इसका दी होल रूट टू दिया है। अब सोचो दी होल रूट टू का मतलब क्या होगा पॉइंट वन बाई टू है तो यहाँ पर अंतिम संख्या साठ है साठ को ब्रेक कर देंगे मतलब क्या है रूट सिक्स साठ है यहाँ पर देखो समझा रहा हूँ रूट साठ है तो रूट साठ को आपको ब्रेक करना
करना है। तो भैया रूट 60 को जब आप ब्रेक कर दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा, अगर मान लो 4 से लगा देंगे तो 4, 3 से भी लग जाएगा तो 3, 4, 5 आ जाएगा 60 को ब्रेक करेंगे। देखो 3 चौका 12, 12 25 60 लाइन से आपको लेकर चलनी है, ठीक है ना। तो यहाँ सोचो 4 तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। 4 का रूट होता है 2, बच जाएगा रूट में आपका 15 बच जाएगा, 3 और 5 ना बचेगा, यानी रूट में आपका बचेगा 3 गुना 5। तो बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, सोचो है 2 है तो 2, पहले रूट 5 को ब्रेक कर देंगे, गुना में लिख सकते हैं रूट 3 को, दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। अब सोचो यहाँ पर चिन्ह माइनस का है, 2 तो आपका रूट से बाहर है, हमें रूट वाला से सिर्फ मतलब होता है, तो माइनस यहाँ पर है अंदर माइनस, तो इनके बीच क्या करेंगे माइनस लगा देंगे, रूट 5 घटाओ रूट 3। आपको ऑप्शन कौन सा टच कर जाएगा, ऑप्शन ए टच कर जाएगा, समझ में आ रही, कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से अगर देखी जाए तो आपका करनी और घटांक का सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है ना, मतलब पूरी तरह से मैंने मक्खन करवा दिया। इसके अलावा अब कहीं से करनी या घटांक से क्वेश्चन करेगा नहीं। चलिए आईओपी सारी बातें आपको बेसिक से समझ में आ गई होगी, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग कोई नई टॉपिक स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।